हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जालौर खोज खबर यूट्यूब चैनल में। जालौर जिले के आसपास क्षेत्र में इस समय जो किसानों के लिए है बहुत बुरी खबर है। किसान बहुत जो फसलें हैं पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि कारण है टिड्डी दल। ये करोड़ों की संख्या में आए हैं और हर दिन हर रात दिन यहाँ पर जो पहरेदारी कर रहे हैं किसान, लेकिन उनकी नहीं चल रही है, उनके बारे में वो पूरी फसल नष्ट कर जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर टिड्डी होती क्या है, आखिर वो कैसे फसल खाती है और कहाँ से आई है और कितनी संख्या में आती है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो आप किसान परिवार से तो वीडियो लाइक और कमेंट कर दीजिए। टिड्डी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि वैसे भी आजकल टिड्डी आने के समाचार बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन कई साल पहले जो टिड्डी थी वो इतने साथ में नहीं आती थी, लेकिन अभी इतना आक्रमण कर रही है और किसान उनके सामने बेबस है, बेचारा कुछ कर नहीं सकते। उनकी नज़रों के सामने पूरे खेत को चट कर जाती है। वैसे देखा जाए तो ये आर्थिक महत्व का एक कीड़ा है। कुछ देशों के अंदर इसका प्रयोग खाने के रूप में भी किया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर टिड्डे को बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। इसके प्रकोप से कोई पौधा नहीं बच पाता, आमतौर पर जामुन और नीम जैसे पौधों को ये नहीं खाता है। भारत में इसका प्रकोप इस समय कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। भारत टिड्डी पर आक्रमण किया है और भारत यहाँ पर इस समय अकाल की तरफ जा रहा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनकी तीन प्रजाति होती है जो कि आने वाले समय पूरे जो फसल रहती है उनको नष्ट कर देती है। टिड्डी अपने निवास स्थान को ऐसी जगह पर बनाती है जहाँ पर जलवायु असंतुलित होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर जो संतुलित है, अभी जो क्लाइमेट चल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है, ऐसे क्लाइमेट में जो टिड्डी होती है ज़्यादा आवार निकलती है और इसी वजह से ज़्यादा हमला भी करती है। और वैसे तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा उड़ती है, लेकिन इसमें जो ठंडी है उसमें भी वो ज़्यादा उड़ रही है। टिड्डियों का भोजन और खुश बातें आपको बताएंगे। टिड्डियों के दलों के खेत पर आक्रमण करने से खेत को भारी नुकसान होता है। समझो खेत के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। एक कीट अपने वजन के बराबर फसल को खा जाता है। एक कीट का जो वजन है वो 2 ग्राम होता है। एक छोटे से टिड्डी दल का हिस्सा एक दिन में उतनी खाद्य सामग्री खा जाते हैं जितनी कोई 3000 इंसान खा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 3000 इंसान के बराबर ये खा लेते हैं। लेकिन टिड्डे की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती है, ये 4 से 5 महीने जीवित रहते हैं। इन कीड़ों की सबसे खासियत ये है कि ये हवा के अंदर 150 किलोमीटर एक सांस में उड़ सकते हैं और हिंद महासागर को जब ये पार करते हैं तो उन्हें 300 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है, जो वो लगातार करते हैं। टिड्डी की विशेषता क्षमताओं से वैज्ञानिक भी हैरान है। हाल ही अंदर ब्रिटेन और अमेरिका और स्पेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक तकनीक का विकास किया है जो सड़क पर होने वाली दुर्घटना को कम करने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल जाने कितने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं इस टिड्डी की वजह से। इनके अनुसार टिड्डी लाखों की संख्या के अंदर एक साथ उड़ती है और इनका घनत्व एक वर्ग के अंदर 8 करोड़ एक साथ में टिड़िया उड़ती है। इतनी ज़्यादा संख्या अंदर होने के बाद में ये कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। इसके अलावा ये खुद को शिकारी और पक्षियों से बचाने में कामयाब रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके आंखों के पीछे खिंचा मूवमेंट होता है, इसकी मदद से उनको ये पता चल जाता है कि कोई अन्य जीव उनके रास्ते के अंदर आ रहा है और उसके बाद ये रास्ते को बदल लेती है और ये दूर से भी देख सकती है। इनके देखने की जो क्षमता है वो इंसान से भी ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर कैश एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास किया है। ये प्रक्रिया अंदर कार के पीछे या आगे की बात को रडार के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे एक स्क्रीन पर भेजा जाता है। इसके बाद में आपको पता चलता है कि टिड्डी कहाँ पर बैठेगी। तो इस समय जो राजस्थान सरकार है वो बेबस है इन टिड्डियों के सामने, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वो जरूर दावा कर रहे हैं कि हम कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं और किसानों से पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री में छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो फसलें हैं वो 70 से 80% फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कि गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार किसानों को मुआवजा कब तक देती है। आप किसान परिवार से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जालौर के आसपास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ।